नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। ले चलते हैं आपको दिन की कुछ खास खबरों की ओर। तूफान ने मचाई तबाही, जिससे 11 लोगों की मौत और 41 घायल। राजस्थान के धौलपुर जिले में आए तूफान ने जिले भर में तबाही मचा दी, जिससे मकानों की पट्टियां और दीवारें टूट गई तो वहीं सैकड़ों पेड़ और विद्युत पोल भी टूटे। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के भीमनगर मोहल्ले में तूफान से लगी भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया जिसमें बस्ती के एक दर्जन परिवार तबाह हो गए। इस हादसे में 2 मासूम बच्चे, एक महिला सहित एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं दीवार ढहने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई। वहीं सैपू कस्बे में दीवार ढहने से 40 भेड़ों की मौत हो गई। इस तूफान में दर्जन परिवार तबाह हो गए। बता दें कि तूफान बुधवार की देर शाम करीब 7 और 8 बजे के बीच शुरू हुआ, जो करीब 1 घंटे तक चला। सैपू कस्बे की भीमनगर बस्ती में पीड़ित दर्शन के मकान से आग की शुरुआत हुई। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी तेज लपटों ने पड़ोस के मकानों को अपनी आगोश में ले लिया। ग्रामीण भारी तादाद में हादसे वाले स्थल पर पहुंच गए, लेकिन आग के तांडव के सामने लाचार नजर आए और घरों में बचे महिला व पुरुष भी चपेट में आ गए। वहीं दर्जनों पशु भी आग में झुलस गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल को सूचित किया, लेकिन दमकल समय पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आग हादसे में एक ही परिवार के मोहन सिंह, नीतू और 2 मासूम बच्चे कमल सिंह गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने CSC में पहुंचाया। वहीं SDM विनोद कुमार मीणा और थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल भी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि तूफान में दीवार गिरने से एक 3 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई। बसेड़ी इलाके के गांव कुनकुटा में मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। कुमहेरी गांव में दीवार गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जिले भर में तूफान का कहर इतना भीषण था, जिसमें दीवार, मकान, टीन सेट बर्बाद हो गए। इस तांडव में खेतों में पड़ी किसानों की गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई। इस दौरान जिले भर में तूफान से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तूफान से जिले भर में हुई तबाही को लेकर जिले के आला अधिकारी सर्वे में जुट गए हैं।